दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पापलू क्रिएटिविटी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरे घर के हिबिस्कस फ्लावर कलेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इसके राइट साइड पर आ रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है हमारा हिबिस्कस का एक पिंक कलर का एक क्रीमिश टाइप का एक फूल है। ये देखिए, ये 5 पेटल, कितना अच्छा लग रहा है ये पौधा। इसमें देखिए और भी बर्ड आ रहे हैं, ये देखिए, और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं और ये भी खिलने वाले हैं। तो चलिए मैं आज आपको और भी मेरे हिबिस्कस कलेक्शंस दिखाता हूँ। और दोस्तों देखिए, ये वाला भी एक हिबिस्कस का प्लांट है। ये देखिए, ये वाला डबल पेटल फ्लावर है, थोड़ा सा डीप पिंक है, थोड़ा सा डीप पिंक है। ये देखिए, इसमें ज़्यादा फूल भी आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वाला हमारा नेक्स्ट पौधा है, ये भी हिबिस्कस का, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, सिंगल पेटल, और ये ऑरेंज कलर का है। ये देखिए, ये ऑरेंज, और ये हाइब्रिड का है। ये देखिए, ये हाइब्रिड कलर का, और इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो नेक्स्ट ये वाला हमारा येलो, ये वाला देखिए, ये वाला है हमारा येलो कलर का हिबिस्कस फ्लावर है। तो दोस्तों ये वाला देखिए, येलो कलर का ये हिबिस्कस फ्लावर, ये भी हाइब्रिड है, आपको किसी भी नर्सरी में इजीली मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसके बर्ड्स भी बहुत सारे आते हैं और खिलते भी बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों ये वाला नेक्स्ट हिबिस्कस फ्लावर है, लेकिन इसमें अभी तो फूल नहीं खिले हैं, लेकिन ये देखिए बर्ड है। ये भी हाइब्रिड का हिबिस्कस प्लांट है, और इसके फूल एकदम से येलो कलर का होता है और बीच में एक रेड कलर का स्ट्रिप्स होते हैं, या तो पूरा या नहीं तो उसका नीचे का पार्ट पूरा रेड होता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा अगला पौधा है हिबिस्कस फ्लावर का, और ये वाला भी हमारा, तो ये वाला दोस्तों हमारा हाइब्रिड का ही है, और इसका नाम है चाइना हिबिस्कस। इसमें एकदम से छोटे छोटे फूल आते हैं, ये देखिए, इसमें बर्ड्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, ये देखिए सब बर्ड्स, लेकिन ये बहुत लंबा और घना हो जाता है, और इसमें बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा एक साथ आते हैं और फूल भी बहुत खिलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिबिस्कस प्लांट पर। तो दोस्तों ये वाला है हमारा नेक्स्ट हिबिस्कस प्लांट, ये देसी का है, और इसमें ये देखिए फूल एकदम मीडियम साइज के होते हैं, और इसमें बर्ड्स ऊपर की ओर ज़्यादा होते हैं, नीचे कम होते हैं। तो ये देखिए, इसके बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, जैसे वाइट होता है, रेड होता है, ऐसे वगैरह वगैरह होता है। अगर आपको इस नर्सरी में मिले तो आप इसे ज़रूर लाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत लंबा, घना और बहुत खूबसूरत दिखता है, और ये आपके गार्डन की शोभा बढ़ा देता है। ये देखिए, अब चलते हैं हमारे दूसरे पौधे पर। तो ये वाला देखिए हमारा नेक्स्ट हिबिस्कस का फ्लावर है, ये देखिए, ये बहुत लंबा हुआ है, ये देखिए पौधा, और थोड़ा सा घना भी होता है। तो ये वाला भी हमारा देसी वैरायटी का ही है, और ये देखिए इसमें ऐसे व्हाइट कलर के बर्ड्स आते हैं और फूल भी खिलते हैं, ये देखिए। लेकिन जब इनके बर्ड होते हैं तो वो एकदम से क्रीमिश टाइप के होते हैं, और ये देखिए ये वाला, ये तो कभी कभी रेड में भी खिल जाते हैं या पिंक खिल जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट पर। तो दोस्तों देखिए, जो डबल पेटल मैंने आपको अभी हिबिस्कस फ्लावर दिखा था, जो थोड़ा सा वायलेट पिंक और वाइट कलर का मिक्स था, ये वाला उससे वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा वायलेट और डीप कलर का है। ये देखिए, ये वाला पौधा लेकिन छोटा होता और ज़्यादा नीचे की ओर ज़्यादा घना होता है, और ज़्यादा लंबा लेकिन नहीं होता है, लेकिन इसमें फूल ज़्यादा खिलते हैं। तो ये देखिए, ये वाला भी उसी की तरह एक और पौधा है, ये वाला, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बड़ा और घना होता है, और इसके फूल भी बहुत। तो देखिए, ये दोस्तों ये दोनों भी हाइब्रिड का ही है, हाइब्रिड का पौधा है। ये
ये देखिए, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है और घना भी होता है, और इसके फूल भी थोड़े से लंबे और बड़े होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पौधे की ओर। तो दोस्तों देखिए, ये वाला हमारा नेक्स्ट हिबिस्कस प्लांट है, और ये वाला हमारा हाइब्रिड का है देखिए, लेकिन इसका फूल बहुत डीप रेड कलर का है और बहुत मोटा होता है, देखिए एकदम घना जैसा, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऊपर भी है, देखिए यहाँ पर देखिए, और ये देखिए ये थोड़ा सा पुराना हो गया ये पौधा, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका फूल थोड़ा सा मुरझा गया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट पर। तो देखिए ये वाला पौधा हमारा लाइट पिंक है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये फूल, और ये देखिए ये वाला भी। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा हाइब्रिड का पौधा है, ये आपको किसी भी नर्सरी में इजीली से मिल जाएगा। तो ये देखिए ये वाला हमारा नेक्स्ट प्लांट है हिबिस्कस का, ये देखिए ये वाला बहुत घना सा हो गया और लंबा भी हुआ है, और इसका ये देखिए यहाँ पर फूल भी आया है, ये देखिए ये फूल, इसका फूल थोड़ा सा बड़ा होता है और ये सिंगल पेटल्ड है हाइब्रिड का। ये वाला बहुत खूबसूरत पौधा है, इसमें फूल भी ज़्यादा आते हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट हिबिस्कस पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वाला देखिए येलो कलर का है, ये बहुत सारी मात्रा में खिलते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा लाइट येलो है, और ये हाइब्रिड का ही प्लांट है, देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी ग्रोथ सिर्फ इतनी ही होगी और ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिबिस्कस पर। तो दोस्तों देखिए अब ये वाला है हमारा रेड कलर का हिबिस्कस प्लांट हाइब्रिड का, ये देखिए अभी तो इसमें सिर्फ एक ही फूल खिला है, लेकिन देखिए इसमें बर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं, खिलेंगे एक साथ बहुत सारे खिलेंगे। तो अब चलिए हम अपने लास्ट हिबिस्कस प्लांट पर बढ़ते हैं। तो ये वाला देखिए, ये वाला हमारा लास्ट हिबिस्कस प्लांट है ये वाला हमारा। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा हाइब्रिड का ही है, और ये देखिए इसमें करपर्ड भी आ रहा है, ये देखिए ये थोड़ा सा इसका आउटर पेटल थोड़ा सा डीप येलो रहता है और अंदर रेड रहता है, यानी ऑरेंज टाइप। तो ये देखिए, तो इस पौधे को अगर आप ज़्यादातर कटिंग करेंगे इसका, तो इसमें ज़्यादा फूल और ये इसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ये अभी इसका कटिंग हुआ था तो ये इसलिए छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बाद में घना और बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय फ्रेंड्स।